दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही छोटे से प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका साइज़ है 15x36 फिट, 15x36 मतलब 15x36 में मकान पूरा डिजाइन किया है। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। इसमें हम लोग को डिस्कस करेंगे जो कि आपका टू साइड क्लोज्ड है और टू साइड ओपन है। इधर से देखिए क्लोज्ड, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो नहीं दिया है। फ्रंट से आपका ओपन है और साइड से आपको ओपन है, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो दे दिया है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे थे, सर मुझे 15x36 फिट में एक सिंपल सा प्लान दीजिएगा। तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। तो इस वीडियो को डिस्कस करेंगे पूरा, तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं मोहन छागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। यहाँ पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते हैं। तो जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, इससे आपको एक आइडिया मिल जाए घर बनवाने के लिए। तो आज का प्लान है 15x36 फिट में, बहुत ही सिंपल सा है और एक बेहतरीन सा प्लान आपका होने वाला है। तो सबसे पहले फ्रंट से आपका रोड है, इसके बाद स्टेयर्स है, इसके बाद ये मैंने देखिए गेट दिया है। गेट में मैंने सिर्फ यहाँ पर अभी इसका फ्रेम लगा दिया है और पूरा नहीं दिया है। और ये आपका विंडो का डिज़ाइन है, साइड में भी विंडो है। ये आपका यहाँ पर डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया क्योंकि यहाँ पर स्टेयर्स है, अभी मैं समझाऊँगा। तो सबसे पहले बात करें अगर ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे आप एंट्री करते हैं तो ये देखिए आप स्टेयर्स मिल जाती हैं, जो कि आपको अंदर से चढ़ना होगा गैलरी से और ऐसे टर्न होकर वापस आ जाते हैं। तो 5 फिट में ये पूरा ओवरऑल ये बना हुआ है, क्योंकि 15 फिट टोटल आपकी यहाँ पर चौड़ाई है। तो 5 फिट में गैलरी और 10 फिट का बेडरूम है। तो उधर से चढ़ेंगे टर्न होकर फिर अंदर चले जाएंगे। और ये जीना जो है, जी स्टेयर्स है, वो मैंने 3 फिट लगभग बाहर निकाल दिया है। जो आप ऊंचाई पर चले जाएंगे तो आपकी अंदर से जगह बच जाएगी, यही आपके ऊपर डिजाइन बन जाता है। इसका सबसे पहले आपको एक बेडरूम मिल जाता है यहाँ पर, इसके लिए डोर ये दिया है। इसके बाद जैसे जाते हैं आंगन मिलता है और आंगन में एक बड़ा सा आपका किचन एरिया मिल जाता है। ये देखिए आप इसे और भी बड़ा कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। सिर्फ 3 फिट जगह यहाँ पर गेट के लिए छोड़ दे, बाद बाकी 7 फिट चौड़ाई का और लगभग 10 फिट लंबाई का आपका किचन बन जाएगा। फ्रंट में आपका लेटन बात है ये, और इस कॉर्नर पर बेडरूम है। आप लेटन बात और इस विंडो को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा के अनुसार है। आप कहाँ पर लेटन बात बनाना चाहते हैं, कहाँ पर किचन बनाना चाहते हैं, तो आप दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से। और इसके बाद 2 बेडरूम और गैलरी और स्टेयर्स आपको देखने को मिल जाती है इस मॉडल में। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर स्टेयर्स का मैंने टेक्सचर दिया है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। साइड से भी विंडो दिया है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा तीनों कमरों का, और साथ साथ एक बेहतरीन सा डिज़ाइन मैंने बना कर दिया है। अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर देखिए कुछ भी डिज़ाइन नहीं, 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री। और ये जो आपका स्टेयर्स था उसको ढकने के लिए गुमटी, साथ साथ उसी पर मैंने ये बेहतरीन सा जाली लगा दिया है, जिससे वेंटिलेशन भी होता रहे और घर का एक नया डिज़ाइन भी बन जाए। लास्ट फ्लोर की बात करें, लास्ट फ्लोर पर आपका इस छत को मैंने पार्ट दिया है, मतलब कि छत को ढक दिया है। तो ओवरऑल जो बना है 15x36 में ये घर बनकर रेडी हो जाता है। ये मॉडल एक जो मैंने बनाया है, एक लोग हैं उनके कहने पर बनाया है, तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है। अगर कोई भी चेंजमेंट आप करना चाहते हैं इसमें तो आप कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।